सैनी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया है, जिसमें डीआईजी एसएसपी साहब साथ में हैं, और यहाँ जो आपका कोविड हेल्प डेस्क, महिला हेल्प डेस्क, इसके साथ ही पुलिस कार्यालय और साथ ही मालखाना व भोजनालय का आज निरीक्षण किया गया है। इसमें कुछ कमियां जहां जहां पाई गई हैं वहां प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित कर दिया गया है, और इसमें प्रभारी निरीक्षक को सुधार लाने के लिए 10 दिवस का समय दिया है, अन्यथा इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या खास कमियां दिखी सर? क्या इसमें कोविड हेल्प डेस्क पर मैंने बताया कि कर्मचारियों का सभी विवरण अंकित होना चाहिए, तो इसमें पार्शियली इन्होंने मेंटेन किया है, लेकिन बीच बीच में उसको कई जगह नहीं नाम लिखे हैं। कुछ जगह शिकायतकर्ताओं के टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर लिखने के निर्देश दिए गए हैं, वो नहीं लिखे गए हैं। इसी तरह माल खाने का कुछ माल है जो बेतरतीब लगा हुआ है, उसको सही तरीके से व्यवस्थित करने के लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं। अभी 2019 और 2020 की काफ़ी सारी विवेचनाएं हैं जो पेंडिंग है, उसके लिए यहाँ क्षेत्राधिकारी और एसपी यमुना पार को कहा गया है कि वो जल्दी से इसका उपार करें और पुरानी जो विवेचना है उनको शीघ्र निस्तारित करा दें। सर, आपके कहते थानों में अब दो दो अधिकारी बैठ रहे हैं, कहते हैं एसपी डीएसपी से लेकर के, सर तो कितनी और मतलब तेजी आई है कामों में? और क्या अभी यहाँ मैंने जब पहली बार निरीक्षण किया था तो यहाँ काफ़ी गंदगी का अंबार लगा हुआ था आसपास, और पीछे उसमें देखा था कि यहाँ सीवर में भी कई जगह ब्लॉकेज थे, लेकिन काफ़ी इन्होंने सुधार भी किया, कई जगह सुधार हुआ, लेकिन अभी भी सुधार की काफ़ी गुंजाइश है। तो ये जिसमें जो इस समय जो है आपके यहाँ जो डीपीएसपी साहब हैं, वो जो है जूता पॉलिश करा रहे हैं, जो जैसा कि सोशल मीडिया में हुआ है, तो अगर आप ऐसा कुछ पाते हैं तो उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई है? अभी इसमें डीआईजी साहब को दिया गया है कि वो जांच कर लें जो भी पेपर कटिंग इस तरह की आई है या सोशल मीडिया में आया है, लेकिन प्रथम दृष्टया भी ये पाया गया है कि जो व्यक्ति आया था वो यहाँ अपना मजदूरी करता, काम करता है, और उससे उन्होंने बाकायदा पेमेंट किया, और उसमें कोई वो फरियाद ही नहीं थे, बल्कि वो यहाँ काम करने के लिए आते रहे, अभी ये बताया गया है जो अधिकारी से बातचीत हुई है। लेकिन उसके बाद भी अगर लगता है किसी को किसी फरियादी के साथ इस तरह का कृत्य किया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, जल्दी कर लो, जनता।